रायपुर में फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले एक आरोपी को गोल बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कंप्यूटर सीपीयू, मॉनिटर, कलर प्रिंटर, स्कैनर, कार्ड लेमिनेशन कवर, फोटो पेपर एवं आधार कार्ड जब्त किया है। गोल बाजार थाना प्रभारी संजय पुहीर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम देवेश त्रिवेदी निवासी समता कॉलोनी रायपुर है। बताया जाता है कि आरोपी देवेश 500 से 1000 रुपए लेकर फर्जी आधार कार्ड व पहचान पत्र बनाता था। आरोपी अपनी दुकान रवि भवन में मल्टी मीडिया के नाम से चलाता था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना गोल बाजार में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। फर्जी आधार कार्ड बनाएगा और ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी हमारे लिए। हमारे द्वारा इसकी तस्दीकी कार्रवाई की गई तो देवेश त्रिवेदी अपनी दुकान में प्रिंटर, स्कैनर और अपने इक्विपमेंट के माध्यम से आधार कार्ड के एड्रेस बदलता था, आधार कार्ड में नाम बदल देता था और उसके लिए अच्छी खासी रकम लेता था। और इसी सूचना पर हमारे द्वारा इसकी तस्दीक कराई गई और जब छापामार कार्रवाई की गई तो ये बात सही पाई गई। हमारे को आधार कार्ड ऐसे आधार कार्ड ही मिले जो ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ में उसका जो एड्रेस चेंज किया गया था वो आधार कार्ड भी जब्त हुआ है और दोनों में कोई फर्क नहीं महसूस होता। बड़ा स्पष्ट है कि एक शासकीय पत्र की छेड़छाड़ और उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और इस पर से फिर हमारे द्वारा उसे जब्ती की कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया। सर अभी तक कितने इसने आधार कार्ड बनाए कुछ आंकड़ा? अभी ये मामला जांच में प्रविजना प्रारंभिक स्तर पर है। उसके द्वारा जो हमने इक्विपमेंट जब्त किए हैं उसके कंप्यूटर वगैरह में रिकॉर्ड उसकी जांच करवाई जा रही है तो इस बात की पूरी संभावना है कि और ज़्यादा मात्रा में भी ऐसे आधार कार्ड और ऐसे और पत्रों की जानकारी निकल सकती है। For more information, log on to www.clips.in.